क्योंकि आपने अलग अलग राज्यों की वोटिंग परसेंटेज भी अब तक सुन लिए, जो इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बता रहे हैं, जो रीजन बता रहे हैं वो भी आपने सुन लिए। अब अगर मैं ये पूछूं कि सबसे ज्यादा त्रिपुरा में क्यों, पश्चिम बंगाल में छिटपुट घटनाएं हिंसा और पथराव के सामने आई, बावजूद इसके वहां 77% से ज्यादा मतदान हुआ है, बिहार में इतना कम क्यों और बाकी राज्यों में लोगों में उतना उत्साह वोटिंग को लेकर क्यों नहीं रहा? देखिए मैम, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप पूछ रही हैं। एक्चुअली क्या है कि ये एक मिक्स बैग है, और सबसे पहले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये राज्यवार भी स्थिति बदलती है, और हम लोगों ने अभी जो रिपोर्ट आ रहे हैं और जो हम लोगों ने देखा है उसमें राज्यवार स्थिति बदली हुई है। कहीं पर 48% है तो कहीं 75 को भी पार कर रहा है, तो ये स्थिति है। तो अगर एक ही चीज और एक ही बातें जैसे गर्मी वगैरह वगैरह ये सब भी हो, तो वैसे भी जो भारत के ये सब जो इलाका है जहाँ अभी इलेक्शन हुए हैं और बिहार में भी खास करके जहाँ इलेक्शन हुए हैं वो सब बिल्कुल गर्म इलाका है, और इस वक्त तो काफी गर्मी होती है, लेकिन कुछ ये सब फैक्टर कुछ कॉमन है, इसके बावजूद भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। देखिए कई फैक्टर्स हैं, अभी शक्ति जी ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी मैं उसे थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एक नई बात है जिसे शायद इलेक्शन कमीशन तक पहुँचना चाहिए, वो कि BLW जो भी हैं, BLO जो हैं वो घर घर जाकर के ये फील्ड में आप एक्सपीरियंस करेंगे या लोग कर रहे होंगे कि बहुतों को सचमुच में उन्हें पता नहीं होता है कि उनके जो पोलिंग बूथ हैं कहाँ, और अगर किसी को पहले वाला कोई याद हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो पोलिंग बूथ वहाँ जाने पर पता चलता है कि उनका इस बार वहाँ से हटा करके कहीं और कर दिया गया है। तो एक इसमें लोग कंफर्म नहीं होते हैं, और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है वो लोग भी ये काम करते हैं, वो लोग भी पहुंचाते हैं। अब उसमें किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना इसमें अपने भागीदारी दिखाई वो सब भी मैटर करता है, और निश्चित तौर पर वो गर्मी वगैरह तो है ही है, लेकिन एक बात और है, सामान्यतः ये देखा गया है कहीं भी किसी भी राज्य में और किसी भी देश में कि अगर जो इनकम्बेंट सरकार है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर उसके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है या उसे हटाने की तमन्ना जबरदस्त होती है तो लोग बाहर निकलते हैं। आपने जो रीजन दिया है वो वाकई वाजिब नजर आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, चूंकि अभी वक्त भी थोड़ा कम है, राहुल जी का रुख कर लेती हूँ। और राहुल जी, अगर यूपी का, चूंकि जैसा AK झा ने कहा कि जहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहता है वहां आप ये समझ लीजिए कि वहां कुछ बदलाव की बयार बहती है, लेकिन हाँ हमेशा ऐसा नहीं होता, कंफर्म ये बातें नहीं है, ये भी है क्योंकि अगर आपका कैंडिडेट आपका मनपसंद है तो उसे बनाए रखने के लिए भी कई बार लोग अग्रेसिवली वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर चूंकि यूपी का जिक्र ज्यादा है, 80 सीटें हैं, 8 सीटों पर जब मतदान हुआ, रामपुर में सबसे कम मतदान हुआ है, जबकि कैराना और सहारनपुर में ये वोटिंग परसेंटेज 60 और 60 अबव है। देखिए रचना जी, चूंकि पश्चिमी यूपी के कई सारे सीटों पर मैं घूमा हूँ, रामपुर की स्थिति जो आप बार बार पूछ रहे हैं, तो देखिए वहां पे हम लोगों ने देखा है कि टिकट वितरण की स्थिति कैसी बनी थी और आजम खान की एक तरह से सहमति नहीं थी, तो रामपुर की समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट एक तरह से वो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उस रूप में खड़ी नहीं थी, ये तमाम परिस्थितियां रामपुर में थी, इसलिए रामपुर में चुनाव का माहौल एक अलग दिशा में थी। हालांकि फिर भी लास्ट समय में लोगों ने एक निर्णय लिया और जो वोट प्रतिशत दिख रहा है, जो परिस्थितियां पहले बन रही थी वहां पर रचना जी, तो वो उस दृष्टि से वोट प्रतिशत भी जो दिख रहा है वो बेहतर वोट प्रतिशत रामपुर के दृष्टि से मैं मानता हूँ। लेकिन अगर जो दूसरे जगह आप सहारनपुर की बात करें तो मैं मानता हूँ कि जो इमरान मसूद के यहाँ पे जो काफी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है इन सारे सीटों के ऊपर, तो वो कहीं कहीं देखिए प्रियंका गांधी के एक रोड शो भी हमने देखा था वहां पे काफी ज्यादा हुआ था, तो बड़े नेता जी काफी दोनों पक्ष में, देखिए प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार तो काफी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रथम चुनाव प्रचार जो है वो 12 अप्रैल से अखिलेश यादव शुरू करते हैं, तो आप सोचिए 19 अप्रैल को चुनाव प्रचार है, प्रथम इलेक्शन कैंपेन 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो विपक्ष का इलेक्शन कैंपेन थोड़ा देर से भी शुरू हुआ था, तो वो अभी एक जो दोनों पक्षों में एक मोटिवेशन होना चाहिए उसके कमी को भी मैं मानता हूँ। जो फील्ड पर मैंने देखा यानी कि कुछ तो चूक रह गई है, और हो सकता है आने वाले फेजेस के लिए विपक्ष अपने आप को उस तरीके से तैयार भी करे या फिर जो कमियां खामियां रह गई हैं उन्हें दूर करने की कोशिश हो। संजय कपूर जी, जहां वोटिंग सबसे ज्यादा है, क्या वहां मौजूदा कैंडिडेट से खुशी होती है या बदलाव की कोशिश रहती है, एग्रेसिवली लोग घरों से निकलते हैं? और जहां तक गर्मी की बात है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से खबर कि गर्मी बहुत ज्यादा थी,
तो गर्मी जैसा सिली रीजन तब इस्तेमाल किया जाएगा ना जब लोगों को इस बात पर भरोसा होगा नहीं कि जिसको वोट डाल रहे हैं वो जीतेगा। यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं क्या मन में ये विश्वास हो गया कि एक बार फिर से एनडीए की वापसी हो रही है, और अगर वो ऑपोजिशन को वोट देना चाहते हैं तो घरों से नहीं निकले, और जो एनडीए को बनाए रखना चाहते हैं वो घरों से निकले, या रीजन कुछ और है? बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला है ये। पहली बात तो ये है कि जो लोग निकले वोट करने के लिए, वो जैसे कि आप बने तमाम जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं, वो निकले अपने कैंडिडेट्स के चक्कर में, जैसे रामपुर का जिक्र करा गया उसमें भी लोकल फैक्टर के बारे में, सहारनपुर में भी लोकल फैक्टर। तो मुद्दा यह है कि अगर सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर निकलते सबको बाहर निकल के वोट करना चाहिए, लोकल फैक्टर का कोई इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी, इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी। परंतु यहाँ पर काफ़ी हद तक माहौल बदला हुआ है, चुनाव नेशनल इश्यूज़ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है अब की बार, बहुत ही लोकल इश्यूज़ पे हो रहा है। जैसे त्रिपुरा के अंदर अगर आप गौर करें, इतना हाई परसेंटेज हुआ क्योंकि प्राइमरीली वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल पार्टी है वो इसके साथ है ना, बीजेपी के साथ उसका अलायंस। बस छोटा सा जवाब दीजिए, पीएम मोदी कह रहे हैं एनडीए के पक्ष में वोटिंग हुई है, ऐसा है? तो यही बात है ना, इंडिया अलायंस वाले भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर जाइए, वो भी कह रहे हैं कि पूरा जो अब की बार वोट हुआ, चाहे आप, और ये दावे होते रहेंगे अब 4 जून तक, सब ये कहते रहेंगे कि उनके पक्ष में वोटिंग हुई है, लेकिन रिजल्ट्स का इंतजार 4 जून तक हमें करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, राहुल जी, संजय जी, एके झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ अभिषेक, रौनिक दत्ता और शक्ति, आपका भी शुक्रिया ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के